बेरमो विधानसभा उपचुनाव के लिए कई उम्मीदवारों ने अपना नामांकन करवाया। इसी के साथ भाजपा और कांग्रेस आमने सामने रही। वहीं भाजपा और कांग्रेस ने अलग अलग जगहों पर जनसभा को भी संबोधित किया। बेरमो विधानसभा उपचुनाव कई उम्मीदवार अपना नामांकन करवाया, जिसमें भाजपा गठबंधन उम्मीदवार योगेश्वर महतो बाटुल और कांग्रेस गठबंधन उम्मीदवार कुमार जय बंगल सिंह, बसपा उम्मीदवार और पूर्व ऊर्जा मंत्री झारखंड सरकार के लाल चंद महतो ने अपना नामांकन करवाया। वहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अलग अलग स्थान पर जनसभा को संबोधित किया, जिसमें भाजपा के झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भाजपा उम्मीदवार योगेश्वर महतो बाटुल के लिए जनसभा को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जय मंगल सिंह के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनसभा को संबोधित किया और बताया कि इसके पूर्व डबल इंजन वाली सरकार हमें 5,000 करोड़ का कर्ज देकर चल गया है और पुरानी योजना का काम अभी बाकी है, नया तरीके से करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। नॉमिनेशन अपने नामांकन फॉर्म भरे, हम लोगों के बीच आएंगे और अभी यहाँ पर भाजपा के साथ साथ एनडीए के गठबंधन के उम्मीदवार गठबंधन के उम्मीदवार और अभी कुछ देर में कार्यकर्ता बहुत हाँ चाचा, तो बताइए आज आप लोग आए हैं एनडीए के योगेश्वर महतो बाटुल जी के नॉमिनेशन में, कैसा लग रहा है? आज तो योगेश्वर महतो बाटुल भारतीय जनता पार्टी करके लगाइए, दोनों को मिला के जो कैंडिडेट तय हो गया है उन्होंने आज नॉमिनेशन दाखिल किया है और नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद अब चुनाव मैदान में आए। जरूरी है कि बाटुल जी कोई नया आदमी नहीं है, इसके पहले भी 3 चुनाव लड़े हैं, 2 चुनाव में विजयी हुए। आज बाटुल महतो का जो किया हुआ काम है ग्रामीण क्षेत्र में या उसको बेरमो विधानसभा के अंदर जितना उन्होंने विकास का काम किया है, उस विकास के काम के आधार पर आज बेरमो की जनता ये संकल्प कर चुकी है कि हम लोगों को फिर से बाटुल जी को जिता करके और बाटुल जी के द्वारा जो किए हुआ अधूरा काम है उस अधूरा काम को पूरा करना है। और जैसे कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन जो है कांग्रेस और गठबंधन नहीं है, गठबंधन है, इस तरह से सत्ता में आने के पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोगों ने वादा किया था नामांकन। आज एनडीए का कैसा रहा चाहे योगेश्वर महतो बाटुल जी का? बहुत अच्छा रहा है, 4 सेट में नामांकन किया है अपना। तो पूरा पूजा पाठ के साथ में आए आप लोग आए हैं नामांकन करने? पूरा पूजा पाठ करने के बाद नामांकन करने आए हैं? तो एवरी डे का रूटीन है पूजा पाठ, तो अपने आस्था से अपना जुड़े हुए हैं इसलिए। तो आशु और बीजेपी के साथ में जो आप लोगों का गठबंधन हुआ है, तो बहुत सारे आशु कार्यकर्ता जो फूट के दूसरे कार्यकर्ता के साथ दूसरे पार्टी के दल में चले जा रहे हैं? ना, ऐसा नहीं है, कुछ एक जो निजी स्वार्थ में जिंदगी जीते हैं वो पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं है, निजी स्वार्थ में जिंदगी जीने वाले लोग ऐसा करते हैं। जो सैद्धांतिक रूप से पार्टी के साथ है वो एनडीए गठबंधन के साथ एक सूत्र बंद करके और बेरमो को किला फतह करेंगे, कमल खिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग आए हैं, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, हमारे प्रत्याशी हमारे मतों से जीतने जा रहे हैं। आज आप नामांकन फॉर्म के अंदर नहीं घुस पाए सर कार्यक्रम में?
बाटू जी बताइए कितना सीट में है? चार नॉमिनेशन भरा है। एक मिनट चलिए। हाँ हाँ, चार सीट में हमने नामांकन किया है। और क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? बहुत पूजा पाठ करके शुभ मुहूर्त में भरा है आपने। नहीं, पूजा पाठ हमारा स्वभाव है, हम तो रोज पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ के बगैर हम समझते हैं कि हम खाते भी नहीं हैं। तो ये मेरा अपना विश्वास है। जनता का विश्वास कैसे मिलेगा? जनता का विश्वास हमने पहले भी हासिल किया है और जो 9 महीना का कार्यकाल इस सरकार का रहा है, इस सरकार के कार्यकाल में जो लोगों ने इस बात को अनुभव किया है और ठगा ठगा महसूस कर रहा है, वो चाहे पारा शिक्षक का मामला हो, आंगनबाड़ी केंद्र का हो, युवाओं को जो रोजगार देने की बात की, या रोजगार नहीं यदि दे पाए तो हम 5,000 और 7,000 रुपया पर मंथ भत्ता देंगे, वो कहीं आसार दिखाई नहीं पड़ता है। बल्कि मुख्यमंत्री ने तो स्पष्ट किया कि हम 5,000 रुपया सालाना देंगे। देंगे कि नहीं देंगे ये कहना बड़ा कठिन है, अभी उस पर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। दूसरा है कि हम लोग के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में और जो हमारा एनडीए के कार्यकाल में जो काम आगे बढ़ा था, जिन योजनाओं का, सारे योजना बंद है। एक ईंटा अभी तक नया तो एक ईंटा जोड़ा नहीं, लेकिन जो पुराने योजना है वो पुराने योजना पूरे राज्य के अंदर में रुक सा गया है। आज देखेंगे तो भ्रष्टाचार, उग्रवाद और इसके साथ साथ कोयला तस्करी धड़ल्ले से चल रहा है। तो ये तो लूट की सरकार है, लूटने के लिए, इस राज्य को लूटने के लिए और अपना जेब भर क्या मुद्दा लेके जाएंगे आज इस बार चुनाव में? हम लोगों के कार्यकाल में उग्रवाद समाप्ति की कगार पर था, फिर से सर उठा रहा है। और जो विकास की अवधारणा है झारखंड का, समृद्ध झारखंड, स्वच्छ झारखंड, स्वस्थ झारखंड, जो हमारा परिकल्पना है, उस परिकल्पना के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसी मुद्दों को लेकर के और जो अधूरे योजनाएं हैं उन योजनाओं को भी पूरा करेंगे। कई योजनाएं, नया योजना का भी हमारा प्रस्ताव है, उन नया योजनाओं को भी लोगों के बीच में रखेंगे। और ये लोग जान रहे हैं कि नया योजना में मेरा क्या क्या सपना है। कोलियरी के अंदर में 3 कोलियरी भी चालू करना है, वो 3 कोलियरी को कैसे चालू किया जाए। हमारे साथ हमारे सांसद भी हैं और हम समझते हैं कि केंद्र का समस्या और राज्य की समूह के विकास को गति देंगे और एक समृद्ध बेरमो बनाने का काम करेंगे। काफी प्रयासों और अड़चनों के बाद में आप पर विश्वास जताया है पार्टी, आइए चंद्रका जी, और ट्रोल भी किया जा रहा है मिलेगा और के साथ भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आप लोग देखेंगे जो सरकार बने, सरकार बनने के बाद जो स्थिति रहेगी और कोरोना जैसा महामारी में जो हमारे मजदूर रहे, जो बाहर में रहे, उनको देखने राज्य सरकार का कोई पहल नहीं रहा। अरे यार, राज्य सरकार ने कहा भी था कि हम लोग मजदूरों को झारखंड में ही काम देंगे। नॉमिनेशन कर दिए, बहुत सारा आरोप प्रत्यारोप चल रहा, लड़ेंगे। देखिए, आरोप प्रत्यारोप अपने जगह पर है। हमने पिछले 5 साल और उसके बाद पहले 2005 से 2009 बेरमो विधानसभा में जो हमने काम किया है वो हम समझते हैं कि 70 साल के इतिहास में 10 साल को माइनस कर दिए तो बेरमो 0 था। वो चाहे पूर्व पुलिया के नाम के क्षेत्र में हो, के जलापूर्ति के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, और उसके बाद आप सड़क का, ग्रामीण सड़क का तो जाल बिछ गया। पीडब्ल्यूडी के कई सड़क बने, दामोदर में एक भी पुल नहीं था। इस 2 कार्यकाल में हमने 5 पुल बनवाया। खांजो नदी में एक पुल नहीं था। खांजो बेरमो और दुमका निश्चित रूप से एनडीए एकजुट है और पूरी एकजुटता के साथ एनडीए दोनों अपने खाता में लेंगे।
तब आंसू भी पूरा चढ़ बढ़ के हिस्सा है। बिल्कुल आंसू पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एनडीए के साथ है और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के प्रत्याशी को जिताने का काम आ चुके हैं। यहाँ पे तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है अपने पिता के काम पर वोट मांगे जाएंगे, भाजपा और एनडीए के लोग जो है देखिए अभी की जन मतदाता पूरी तरह से जागरूक हो चुके हैं। जनता विकास चाहती है, क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण चाहती है और इस सरकार में विगत 9 महीने का जो कार्यकाल रहा सरकार के हाथ से विधि व्यवस्था पूरी तरह से निकल चुका है, लॉ एंड ऑर्डर कहीं पर स्थापित नहीं है, विकास 9 महीने से पूरी तरह से बाधित है, पूरे राज्य में कहीं भी विकास के कोई काम नहीं हो रहे हैं, कोरोना लॉकडाउन प्रवासी मजदूर इनसे संबंधित जो समस्याएं थी हैं इसको निराकरण करने में सरकार पूरी तरह से विफल रहा और इसका निश्चित रूप से लाभ एनडीए प्रत्याशी को दोनों जगह पर। नमस्कार, मैं ओमप्रकाश कुमार बोल रहा हूँ। झारखंड विधानसभा चुनाव में बैरमो विधानसभा उपचुनाव के आज छठा दिन हो चुकी है, जिसमें अभी हमारे यहाँ पर बैरमो विधानसभा से कांग्रेस के युवा उम्मीदवार कुमार जयमंगल से कुछ ही देर में नॉमिनेशन करने के लिए अपने नामांकन करने के लिए घर पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर पहले यहाँ से एनडीए के उम्मीदवार योगेश्वर महतो वाणी अपने जनसभा को संबोधित करके नामांकन करके जनसभा को संबोधित करके निकल गए हैं। इसमें एनडीए के महागठबंधन उम्मीदवार एक योगेश्वर महतो वाणी के साथ गिरिडीह लोकसभा सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, गोमिया विधायक लंबोदर महतो, पूर्व विधायक चतुर्राम महतो, साथ में बोकारो विधायक बिरंची नारायण, भाजपा जिला अध्यक्ष भरत यादव मौजूद थे। धन्यवाद। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।